अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही घर में कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मैं ये दो पैकेट दूध के ले रही हूँ। इसको मैं पहले बॉयल कर लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि घर में हम योगर्ट को कैसे जमा सकते हैं। तो मैं दो पैकेट यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी यूज़ करना चाहें। ठीक है, एक पैकेट ये हो गया, एक और ले लेंगे और इसको मैं अच्छी तरह से वार्म कर लूँगी। पहले एक दो बॉयल जब आ जाएंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ। वुडन स्पून रख दिया है, ये देखिए इस तरह से ये अब ऊपर नहीं आएगा। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है। ये देखें, दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है और मैंने इसको इस तरह से दो तीन दफ़ा करके बॉयल कर लिया है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम एक डब्बे में दही जमाएंगे। ये देखें, ये दही का ही डिब्बा लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा मैंने दही छोड़ दिया है ऐसी, और थोड़ा मैं बाद में डालूँगी। और इसको जैसे देख लेंगे इसको कि हाथ लगा के, अगर हाथ हम लगा सक रहे हैं, मुझे एक घंटा हो गया वैसे इसको बॉयल करे हुए, अब हल्का वार्म होना चाहिए। तो मैंने इसकी बलाई हटा दी है और इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने इसमें पूरा इसमें भर लिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें इतना रख दिया है, अब इसमें मैं एक भर के चमचा दही का इसमें डाल दूँगी और इसको ऐसे करके मिक्स कर दूँगी। और इसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो। तो अगर आप बाहर ममालिक कहीं रह रहे हैं जैसे कनाडा वगैरह में या कहीं पर अमरीका में, तो इसको ओवन में रख दें या अलमारी में रख दें ताकि थोड़ी सी हीट मिले। फिर ये तकरीबन 5-6 घंटे में बन जाएगा। जब बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दही बिल्कुल जम गया है, मैंने 6-7 घंटे के लिए छोड़ दिया था और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा सा जम गया है। तो इस तरह से आप अपने घर में दही भी जमा सकते हैं। और अच्छा, इसमें यह होता है कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल यहाँ पर सर्दी है कैनेडा में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा जैसे पतला पतला लग रहा है आपको, लेकिन ये अगर मैं फ्रिज में रखूँगी तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो चलें फिर इंशाल्लाह फिर कोई नई रेसिपी के साथ आऊँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।